आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शाह सफीक। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जनता की आवाज, आप तक के प्रोग्राम जनता की आवाज साहिल के साथ। आज हम आपके सामने जो एक मुद्दा है, वो मुद्दा है कि एक बार फिर जमातियों से जुड़ा हुआ है। जमात दरअसल एक सिनोनिम्स बन गया है कोरोना का, क्योंकि देश में मीडिया ने, खासतौर से देश के माहौल में, ने एक ऐसा कैंपेन चलाया जिसको कोरोना की सारी जिम्मेदारियां जमातियों पर ही मर दी गई। चाहे कुछ लोग सिर्फ दाढ़ी टोपी वाले हो, उनका जमात से कोई वास्ता भी न हो, उसको भी जमाती कह करके कोरोना बढ़ाने का इल्जाम लगाए गए हैं। यहाँ तक कि उनको आतंकवादी भी कहा गया है। अब एक और ऐसे ही मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर से सामने आया, जहाँ एक मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य यानी के प्रिंसिपल का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो जमातियों को आतंकवादी बता रही है। उन पर ये इल्जाम लगा रही है कि यह कोरोना फैलाने के लिए भारत आए हैं। आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल पूरा मामला है क्या, कानपुर के अंदर GSVM मेडिकल कॉलेज यानी कि जिसकी प्रिंसिपल है डॉक्टर आरती लाल चंदानी के सामने मीडिया पहुंची थी, लेकिन मीडिया ने अपने माइक बंद किए हुए थे, मोबाइल बंद किए हुए थे। उसी बीच बातचीत चलने लगी, हालांकि उसकी रिकॉर्डिंग की जा रही थी चुपके, लेकिन आरती लाल चंदानी को पता नहीं थी कि मेरी रिकॉर्डिंग की जा रही है। जिसके बाद उन्होंने खुल के बोलना शुरू किया और यहां तक के जमातियों को कहा कि यह आतंकवादी है जो वायरस फैलाने के लिए आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जमातियों को जेलों में बंद कर देना चाहिए और उनको तो अस्पताल में लाना ही नहीं चाहिए। सरकार बिना वजह लाखों रुपये जमातियों के ऊपर खर्च कर रही है, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। आइए आपको पहले यह वीडियो दिखा दें जिसमें डॉक्टर आरती लाल चंदानी बोलती हुई दिखाई दे रही है। ये जमीन नहीं, ये तो फर्जी है, ये तो आए ही है ये करने, ये तो टेररिस्ट है। कहना नहीं चाहिए पर ये टेररिस्ट है और इनको हम VIP ट्रीटमेंट दे रहे हैं और खाना पीना ये सब अपनी मेहनत लगा रहे हैं, अपना रिसोर्सेज इन पे एग्जॉस्ट कर रहे हैं, अपने डॉक्टरों को बीमार कर रहे हैं इनके लिए, अपना खाना खत्म करा रहे हैं, होटल का बिल पे कर रहे हैं। हम लोग रोज ₹1,25,00,000 रुपया होटल बिल पे कर रहे हैं इन लोगों से। कितने डॉक्टर क्वारंटीन जा रहे हैं तो इनके वजह से, तभी तो कह रहा मैं तो ये नहीं है। तो हमारे पास एक मरीज था पॉजिटिव, वो भी चला गया, बड़ा शरीर गना रही था, चला ठीक हो गया, कोई नहीं था। अब इनके लिए हमारे सारा रिसोर्सेज तो इनके लिए आप कहिए, हमारे 100 किट यूज हो रहे हैं। एक किट का दाम हमको तो सब्सिडाइज मिल रहा है 500-700 रुपए का, पर एक किट का दाम गवर्नमेंट को 2,500 रुपया पड़ रहा है। अब वो सोचिए 2,500 और 100 किट रोज इनके लिए, ये नहीं हो तो हमें किट चाहिए नहीं, कोई नहीं होता, जीरो है। एक ओम प्रकाश भर्ती तो है, हम लोगों को कुछ नहीं करना, अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है मैम। तो फिर एक ओम प्रकाश और भर्ती है, अच्छा है बेचारा, वो अपना बंद करके है तो बेचारा। मैम बताइए फिर जमातियों का फिर क्या करेंगे, भैया इसके लिए क्या करेंगे? मैं वैसे तो सोच रही हूँ कि आप कहीं लीक मत करिएगा, हेल्थ मिनिस्टर से बात करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन से बात करेंगे। लेटर ही लिखिए तो उसके पिंग, क्योंकि यहाँ तो ये लोग कोई नहीं सुनेंगे, डरते भी हैं। डीएम तो वही मुख्यमंत्री के आदेश चल रहे हैं, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपीजमेंट वाला मार्ग अपना रहे हैं। नहीं तो आप उसकी, आप लोग कोई रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे? अरे नहीं, रिकॉर्ड करो, आप बात करेंगे। वो अपीजमेंट है, इनको भर्ती करना अपीजमेंट है। इंजेक्शन लगवा देंगे एक एक करके धीरे धीरे, यही तो गाजियाबाद जिनको जेल में डालना चाहिए। आप यहाँ लाके इलाज कर रहे हो, दूसरों को इन्फेक्ट कर रहे हो, खाना पीना खिला रहे हो, दवाइयाँ बर्बाद करो, मैनपावर बर्बाद करो, किट बर्बाद करो, सपोर्ट नहीं करो, दवाई से ज्यादा हमारा किट बर्बाद हो रहा है। इन पे जितनी बार हमारे 22 मरीज के लिए घंटे घंटे किट उतार उतार के लोग दौड़े हैं, अब एक घंटे में एक किट भरा है, हजारों रुपए का नुकसान है। हमें कहना चाहिए ये ZTV इंडिया टीवी पे कि एक एक घंटे किट पहन के लोग उतार दिए भाग गए, किट 2,500 का किट। अब आप सोचिए जिनको आपको डेढ़ घंटे जेल में डाल के एकदम क्या बोलते हैं आइसोलेशन, वहाँ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखना चाहिए, आप आइसोलेशन वार्ड में रख रहे हो, आइसोलेशन में भी अलग रखा जाता है खातिरदारी के साथ। नहीं, जमातों का मुकदमा का दर्ज हुए ना, होता है जहाँ पे जमातों का मुकदमा वहाँ दर्ज हुए ना, NS क्या जो बदतमीजी कर रहे डॉक्टर से,
क्या इतना समझ नहीं आता योगी जी को आदेश देना चाहिए कि ये जमाती के लिए कोई भी हमारे मैन पावर रिसोर्सेज स्टेट का गवर्नमेंट का नहीं यूज होगा। बस हम बता दें इनको, दो मिनट में दौड़ा दें। हमने 22 को जिस तरह से पूरी रात जग के हल्ला किया तो सुबह आके एम्बुलेंस मिला, तब वो कह रहे नहीं 60 एम्बुलेंस इनके लिए लगे हैं, इनके लिए लगे हैं खातिरदारी के। उस दिन रात को भी 80 मरीज लाए खातिरदारी के लिए। हमने कहा लगाया बहुत सीएमओ से मैंने लड़ा, मैंने कहा 80 आपने क्या समझा रहे हैं डीएम को, डीएम को तो वही डीएम तो वही करेंगे जो सीएमओ समझा रहे हैं। सीएमओ 80 लोगों का खातिरदारी में एम्बुलेंस दौड़ा रहे हैं। मैंने कहा खातिरदारी छोड़िए, आप ये 22 लोगों को लेके जंगल में डाल दीजिए, बंद कर दीजिए जंगल में, काल कोठरी में बंद करिए, यहाँ ला रहे हैं। तो बहुत बोले आप कैसे कह सकती हैं ये कोई सुन लेगा कोई ये वो, मुझे बहुत ज़्यादा दबाया गया। और अभी भी हम खुल के थोड़ी ना बोल सकते हैं, डिमांड करिए कि इनको अलग से आइसोलेट करवाएं। आप लोग कह सकते हैं, आप मीडिया में नहीं मैडम, एक काम करिए ना, किसी से कहलवा सकते हैं कि ये तो अपीजमेंट कर रहे हैं आप मरीजों का, और एट द कॉस्ट ऑफ बाकी लोग, एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ वर्क, एट द कॉस्ट ऑफ स्टेट मनी, एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक, पब्लिक को आप 100 करोड़ पब्लिक सैक्रिफाइस कर रहे हैं ये 1 करोड़ लोग के लिए, 20-30 करोड़ लोग के लिए जिनका इंटेंशन कुछ और ही है, 100 करोड़ है 30 करोड़ ये, और जिनका इंटेंशन ही कुछ और है उनका जो फैलाने लगे। मैडम एक काम करिए, आप सुनिए मैडम, झोंक तो पूरा मैडम जी, अभी गवर्नमेंट नेगेटिव में चली जाएगी जीडीपी में, तो क्या कहते हैं कि आर्थिक इमरजेंसी आएगी, इनकी वजह से आर्थिक इमरजेंसी आ जाएगी। मैडम एक एप्लीकेशन, एक वो लिख रही है, आप लेटर लिखिए और वो लेटर में वो दे दीजिए कि आपने अपनी डिमांड रखी है, हाँ। ये मांग है, वो हम लोग उसको चलाएंगे, शायद उसका कुछ फर्क पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बहुत फर्क पड़ेगा, और आज ये मुद्दा मैं बहुत गर्म हूँ, शाम तक अगर आपको उसका रिस्पॉन्स मिले निकले का आएगा ना, गाजियाबाद की घटनाओं का सब जिक्र करते हुए। तो ये वीडियो आपने देखा, अब सवाल ये उठता है कि अभी तक डॉक्टर आरती लालचंदानी पर कार्रवाई नहीं की गई, ना ही उन्हें उसके पद से हटाया गया, क्योंकि मामला एक समुदाय विशेष से जुड़ा है। जमातियों के बारे में कुछ भी कहना, मुसलमानों के बारे में कुछ भी कहना शायद अब अपराध नहीं रह गया है। अगर यही मामला किसी दूसरे समुदाय के लोगों का कहा जाता तो शायद अभी तक डॉक्टर आरती लालचंदानी सलाखों के पीछे नजर आती। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर आरती लालचंदानी ने ये बयान दिया, बातें की है, क्या बातें की, इस बात से के सबूत है कि बीजेपी लोगों के जहन में नफरत फैलाने में किस हद तक कामयाब हो चुके हैं और आगे की हालात कैसे हो सकते हैं। और कमाल बात तो ये है दोस्तों कि उन्हें पता चला कि मेरे पर कार्रवाइयां भी हो सकती है, तो वो एक मौलाना को साइड में बैठा कर अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रही है। इस वीडियो को देखिए, अभी तक शायद आप किसी चैनल पे नहीं देखा होगा इसको। मैं अपने सारे मुस्लिम भाई बहन, हमारे जितने समाज के लोग हैं, पूरे मुस्लिम समाज, पूरी दुनिया के हाजी जी के सामने उनके भावना को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगती हूँ। और ऐसा कभी नहीं होगा, हमेशा जैसे सेवा में हम लगे रहे हैं 38 साल से, जब से डॉक्टर बने 44 साल हो गए, तो मैं 38 साल से तो पूरी अपने अस्पताल के जरिए, पूरी सरकारी सेवा के जरिए पहुंचाती हूँ लाभ, वही करती रहूँगी, सेवा करूँगी, दिन रात सेवा करती हूँ। अब 24 घंटे कभी भी किसी को ज़रूरत हो तो मैं सेवा करूँगी, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, कभी मेरी बात को बिल्कुल ध्यान ना दीजिएगा, माफ़ करके, और मैं मुझे माफ़ करिए, मैं आपके सेवा में वैसे ही लगूंगी, बिना भेदभाव, बिना मन में कुछ, बिना निरंतर, बिल्कुल आजीवन। कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, अपना सुझाव दें, और हमारे चैनल जनता की आवाज़ आप तक को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि देश दुनिया में होने वाले हर ताज़ा अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, आज के लिए इतना, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।